किसान भाइयों नमस्कार। आज इस वीडियो में हम आपको गेहूं की इतनी अधिक पैदावार देने वाली वैरायटी के बारे में बताने वाले हैं जिनकी पैदावार क्षमता इतनी अधिक है कि यह आपकी गरीबी को भी मिटा सकती है। आज इस वीडियो में हमने चुनी है गेहूं की टॉप 5 नई वैरायटी को। जो हमारी गेहूं की 5ों वैरायटियां है ये हमारे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन देती है, तो आज इनके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। नंबर 5 पर हमारी गेहूं की जो सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी है, इस वैरायटी का नाम है DBW 372। यह एक नई और शानदार पैदावार देने वाली गेहूं की वैरायटी है। यदि इसकी कुछ खासियत की बात करें तो किसान भाइयों, इस वैरायटी में रोग बीमारी बिल्कुल भी नहीं आते हैं। ये जो गेहूं की किस्म है सभी रोगों के प्रति सहनशील है, चाहे पीला रतुवा हो, भूरा रतुवा हो या फिर करनाल बन जैसा रोग हो। इस वैरायटी में किसान भाइयों बालियां लंबी आती है। इस वैरायटी का जो तना है बहुत मजबूत है, बहुत कम मात्रा में यह वैरायटी गिरती है। इसमें किसान भाइयों 12% प्रोटीन की मात्रा होती है, जिस कारण खाने में भी यह काफी बढ़िया लगती है। साथ ही इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वह ये है कि यह अधिक गर्मी के ऊपर सहनशील है। मार्च अप्रैल में किसान भाइयों जब अधिक गर्मी होती है तो हमारी गेहूं की जो पैदावार है अंत में कम हो जाती है, लेकिन यह वैरायटी किसान भाइयों अधिक गर्मी के ऊपर सहनशील है। इसका जो दाना होता है किसान भाइयों मोटा, सुंदर, चमकदार और वजनदार होता है। यदि इसके बुआई के सही समय की बात करें तो बंपर पैदावार लेने के लिए आपको इसकी बुआई अगेती में करनी है 15 नवंबर तक। इसकी हाइट लगभग 98 सेंटीमीटर तक होती है। बीज की मात्रा आपको लगभग 40 से 45 किलो प्रति एकड़ लेनी पड़ेगी। इस वैरायटी के किसान भाइयों यदि उत्पादन क्षमता की बात करें तो ये किस्म आपको 70 से लेकर 75 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार निकाल कर दे सकती है। नंबर 4 पर हमारी गेहूं की जो सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली शानदार नई वैरायटी है, इस वैरायटी का नाम है HD 3385। किसान भाइयों, यह वैरायटी पैदावार के मामले में भविष्य में तहलका मचा सकती है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है बहुत ज्यादा है। यदि इसके खासियत की बात करें तो इसमें अधिक फूटाव होता है। साथ ही इसकी जो गेहूं की बालियां आती हैं उनका साइज काफी लंबा होता है। तना इस वैरायटी का भी बहुत मजबूत होता है, बहुत कम मात्रा में यह नीचे गिरती है। किसान भाइयों, सभी रोगों के प्रति इसको सहनशील बनाया गया है। प्रोटीन की मात्रा इसमें लगभग 11% पाई जाती है। चपाती इसकी काफी ज्यादा शानदार बनती है। बुआई के सही समय की बात करें किसान भाइयों तो अगेती में आप इसकी बुआई कर सकते हैं 25 अक्टूबर से लेकर 10 नवंबर के बीच। बीज की मात्रा आपको 40 किलो प्रति एकड़ रखनी है। ये वैरायटी लगभग 4 से लेकर 5 सिंचाई में पककर तैयार हो जाएगी। पकने की अवधि की बात करें तो 150 से लेकर 152 दिन का पूरा समय ये वैरायटी लेती है। पौधे की हाइट की बात करें किसान भाइयों तो लगभग 95 सेंटीमीटर इसका पौधा ऊंचा होता है। इस वैरायटी को आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, बिहार आदि राज्य में लगा सकते हो। यदि इस वैरायटी के हम उत्पादन क्षमता की बात करें तो यह वैरायटी आपको 75 से लेकर 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार निकाल कर दे सकती है। अगली वैरायटी के बारे में जानने से पहले किसान भाइयों वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि और भी जानकारी आपको मिल सके। नंबर 3 पर किसान भाइयों हमारी गेहूं की जो सबसे ज्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है, इस वैरायटी का नाम है DBW 303। ये हमारे देश की सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली वैरायटी में से एक है। किसान भाइयों, इस वैरायटी को पिछले साल किसान भाइयों ने बड़े पैमाने पर लगाया था और इस वैरायटी ने रिकॉर्ड तोड़ पैदावार निकाल करके दी थी। यदि इसके बुआई के सही समय की बात करें तो अधिक उत्पादन लेने के लिए आपको इसकी बुआई 25 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में करनी होगी। बीज आपको लगभग 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। किसान भाइयों, यह वैरायटी लगभग 150 से लेकर 155 दिन का समय पकने में लेती है। किसान भाइयों, इसके पौधे की हाइट 95 से लेकर 98 सेंटीमीटर होती है। 4 से लेकर 6 सिंचाई में ये जो गेहूं की किस्म है वो पककर तैयार हो जाती है। इस वैरायटी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। ये वैरायटी लगभग सभी रोगों के प्रति सहनशील है, जैसे पीला रतुआ, भूरा रतुआ, खुला कांडवा और करनाल बंट, तो रोग बीमारी इसमें नहीं आते हैं। यदि हम इस वैरायटी के कुछ हाईलाइट पॉइंट की बात करें किसान भाइयों, तो इस गेहूं की वैरायटी का तना बेहद मजबूत होता है। यह अन्य वैरायटियों के मुकाबले बहुत कम मात्रा में गिरती है।
प्रोटीन इसमें लगभग 12% पाया जाता है, जिस कारण किसान भाइयों खाने में अच्छी लगती है। फुटाव इस वैरायटी में सबसे ज्यादा देखा गया है और लंबी बालियां आती है। सभी बालियों में 100% दाने भरते हैं और इसके गेहूं की दाने की जो क्वालिटी है वह बहुत ज्यादा शानदार है। दाने इसके मोटे, सुंदर, चमकदार और वजनदार होते हैं। इस वैरायटी को किसान भाइयों आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्य में लगा सकते हो। यदि इस वैरायटी के उत्पादन क्षमता की बात करें तो यह वैरायटी आपको 75 से लेकर 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन निकाल कर दे सकती है। नंबर 2 पर किसानों की गरीबी मिटा देने वाली जो वैरायटी है, इस वैरायटी का नाम है WH-1270। इस वैरायटी को 2022 में लॉन्च किया गया था और इस वैरायटी ने पैदावार के मामले में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, इसलिए सबसे ज्यादा डिमांड इसी वैरायटी की हो रही है। यदि वैरायटी के हम बुआई के सही समय की बात करें तो किसान भाइयों इसकी बुआई आप 20 नवंबर तक कर सकते हो। पकने के सही समय की बात करें तो 140 से लेकर 150 दिन में यह वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। पौधे की हाइट की बात करें तो लगभग 100 सेंटीमीटर तक इसका पौधा ऊंचा होता है। बीज की मात्रा आपको लगभग 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी पड़ेगी। 4 से लेकर 6 सिंचाई में यह वैरायटी तैयार हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता की बात करें तो पीला रतुआ, भूरा रतुआ के प्रति किसान भाइयों इसको हाईली रेजिस्टेंस बनाया गया है। खासियत की बात करें किसान भाइयों तो खाने में काफी ज्यादा बढ़िया है। इसका दाना मोटा, बोल्ड, वजनदार और चमकदार होता है। अधिक पैदावार लेने के लिए इस वैरायटी में आपको अधिक उर्वरकों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसका तना काफी ज्यादा मजबूत होता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है, लंबी बाली आती है और अधिक गर्मी के प्रति इस वैरायटी को सहनशील बनाया गया है। अब किसान भाइयों फाइनली अगर इस वैरायटी के उत्पादन क्षमता की बात करें तो औसत यह वैरायटी आपको 80 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार दे सकती है। नंबर 1 पर किसान भाइयों हमारी गेहूं की जो सर्वाधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी है, इस वैरायटी का नाम है DBW-371। ये बहुत बढ़िया और बहुत ही बम्पर पैदावार देने वाली गेहूं की किस्म है। यदि इसके खासियत की बात करें तो इस वैरायटी में फुटाव की जो संख्या है अन्य वैरायटी के मुकाबले में बहुत अधिक होती है। इसकी जो गेहूं की बालियां होती है उनका साइज लंबा होता है। बालियों में किसान भाइयों 100% दाने का भराव होता है। साथ ही यह जो गेहूं की वैरायटी है अधिक गर्मी, अधिक ठंड के प्रति सहनशील बनाई गई है। इस वैरायटी में किसान भाइयों दाने मोटे, चमकदार, सुंदर और वजनदार आते हैं। इस किस्म को आप उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि राज्य में लगा सकते हैं। यदि इसके बुआई के सही समय की बात करें तो बम्पर पैदावार लेने के लिए आपको इसकी बुआई अगेती में 15 नवंबर तक करनी है। पकने की अवधि की बात करें तो लगभग 145 से लेकर 150 दिन में यह वैरायटी पककर तैयार हो जाती है। हाइट इसकी किसान भाइयों लगभग 95 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। रोग बीमारी की बात करें तो रोगों के प्रति इस वैरायटी को सहनशील बनाया गया है, तो रोग बीमारी बिल्कुल भी इसमें नहीं आते हैं। फाइनली इस वैरायटी के हम उत्पादन क्षमता की बात करें किसान भाइयों तो ये गेहूं की वैरायटी आपको 75 से लेकर 85 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उत्पादन निकाल कर दे सकती है। तो ये थी गेहूं की कुछ सबसे ज्यादा पैदावार देने वाली नई वैरायटियां। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर। धन्यवाद।